नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत आपके चैनल में। जैसे कि पता है, आपके चैनल का नाम है आशीष चिकना और मैं आशीष चिकना आपका स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं आपके पास, आज जो टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही खास है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपके पास क्रैश कोर्स चल रहा था, किसका? कॉलेज का क्रैश कोर्स चल रहा था। एमएससी के जो पेपर होने वाले हैं, एंट्रेंस होने वाले हैं, जो आपके पास नेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम कोर्स करवा रहे थे। तो आपके लिए टॉपिक का नाम मैं नोट कर रहा हूँ। पहले टॉपिक है आज का हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का टॉपिक है, हाइड्रोजन एटम को किसकी सहायता से प्रूव करना है, बाय या इन टर्म ऑफ, या बाय लगा दो, बाय वेरिएशनल पैरामीटर, वेरिएशनल मेथड से आपने क्या करना है, इसके टर्म में इसको प्रूव करना है। आर्टिकल क्या नाम आपके पास? हाइड्रोजन एटम है जिसको आपने एक्सप्रेस करना है किसकी सहायता से, वेरिएशनल मेथड की सहायता से। तो वेरिएशनल मेथड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी आपके पास, मेरी वीडियो में देख लेना। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत, मैं इसके बारे में वैसे बता देता हूँ आपके पास, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें आपके पास पहले आपके पास ट्रायल वेव फंक्शन गिवन होता है, पहला स्टेप तो ये। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका? सेकेंड स्टेप आपने क्या निकाल लिया इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, फिर आपने क्या करना है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी करना है, और फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है आपके पास पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू वो टर्म आती है आपके पास 0 के बराबर आती है। तो आपके पास ये है वेरिएशनल मेथड के प्रोसेस। आपके पास इसी प्रोसेस से हम इसको करते हैं आपके पास, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है। एमएससी वाले बंदे जो हैं पेपर देंगे अभी, जो स्टूडेंट है वो अपने कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं लिखने के लिए। अब बात करते हैं आपके पास, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इसकी बात आते हैं। ग्राउंड स्टेट के केस में होता है ये आपके पास हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास फर्स्ट है। तो हाइड्रोजन का आपके पास होता है फर्स्ट। तो आपके पास बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, तो इसका 1s से नोटेशन कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपने क्या लेना है, ट्रायल वेव फंक्शन लेना है। तो ट्रायल वेव फंक्शन इस केस में क्या होता है, e की पावर a, e की पावर माइनस बिट्टा इंटू आर। यहाँ पे ए और बिट्टा क्या है मैं नोट करवाता हूँ आपके पास, वेयर ए बी दा, ए क्या है आपके पास यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है आपके पास ए, और आपके पास बी क्या है यहाँ पे, वेरिएशनल पैरामीटर। एंड बीटा जो है, बीटा बी द वेरिएशनल पैरामीटर, बीटा क्या है आपके पास यहाँ पे, वेरिएशनल पैरामीटर है। अब क्या प्रोसेस होती है आपके पास है? हमने इसका एग्जाम्पल आपके पास दिया था, उसमें बताया था, और यहाँ अब भी मैं आपके पास बताऊंगा क्या करेंगे हम, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नाउ नॉर्मलाइजेशन आपने क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन करनी है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन लगता है आपके पास साई स्टार, और आपके पास सिंपल साई होता है, इस फॉर्म में 1s है तो 1s नोटेशन है, तो नोटेशन हमने रख दी। उसके बाद में आप क्या लिखते हैं, डी टाउ इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप जानते हैं, एज वी नो, आप क्या जानते हैं भाई, आप जानते हैं डी टाउ की क्या वैल्यू होती है आपके पास, डी टाउ की वैल्यू होती है आर स्क्वेयर डी आर, ये तो आर के टर्म में होगी।
अब बात आती है आपके पास साइन के फॉर्म में क्या होती है, तो साइन थीटा और आपके पास डी थीटा और डी फाई किसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना याद करना, आपके पास डी टाउ की ये वैल्यू होती है, यहाँ पे इस वैल्यू का यूज करेंगे आपके पास जब मैंने लिखी है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक इसके नाम का, एक इसके नाम का और एक इसके नाम का, तीन आपके पास क्या लगेंगे, इंटीग्रेशन लगेंगे आपके पास। तो आपके पास जैसे ही आप ये वाले वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो आपके पास कितने इंटीग्रेशन लगेंगे, तीन इंटीग्रेशन लगेंगे आपके पास, 1 2 3, थ्री क्या लगे इसके इंटीग्रेशन लगे। तो पहला आपके पास क्या कर दो, याद कर रखने तरीका है, 0 0 नीचे सभी क्या आएगी, फिर 0 0 आने के बाद क्या होगी आपके पास, पहले इन्फिनिटी आएगी, फिर आपके पास पाई आएगी, फिर आपके पास 2 पाई आएगी, ऐसे याद करने का तरीका है। अब बात करते हैं आपके पास साई का जो फंक्शन है आपके पास क्या है, a e की -β r। अब इसका क्या है आपके पास नेक्स्ट, a e की -β r इंटू में डी टाउ की क्या वैल्यू आपके पास, r का स्क्वायर डी आर साइन ऑफ थीटा डी थीटा डी फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपके पास, 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपने इस वाली टर्म को सोल्व कर रहा हूं मैं, ये वाले दो इंटीग्रेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ इस स्टेप के अंदर, तो इस स्टेप के अंदर सोल्व करूंगा आपके पास, ये मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, तो मैं ऊपर लिखूंगा आपके नीचे थोड़ा ये आपको दिखेगा भी नहीं। अब बात करता हूँ आपके पास, यहाँ लिखना स्टार्ट कर दूं, यहां तक आपको समझ में आएगा तो बताओ। अब बात करते हैं इससे आगे, तो इससे आगे आपके पास ये वाला स्टेप लिखा रहने देता हूँ क्योंकि आपको इससे आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो भैया, आप जब आप ये वाले संख्या है दोनों इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे, किस किस के हैं आपके पास, ये लास्ट वाले दोनों है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ए और ए वाले ये टर्म तो आपके पास क्या है, एज इट इज है। तो मैं सबसे पहले बाहर ये ए और ए है दोनों को बाहर ले लेता हूं आपके पास, अलग अलग लिख दिया भाई मैंने ए, ठीक है दो ए हैं, ए को मैंने अलग लिख दिया। फिर आपके पास दोनों ये हैं, ये वाली संख्या को आप इस साथ करेंगे तो आपके पास आप सोल्व कर देख लेना, आपके पास क्या निकल के आएगा, 4 पाई निकल के आएगा, और इंटीग्रेशन आपके पास कौन सा बच गया, पहले वाला ये बच गया। उसके बाद आपके पास क्या होगा बच्चों, उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन लगने के बाद यहाँ पे आर का स्क्वायर तो है ही, उसके साथ क्या आपके पास है, उसके साथ आपके पास ई की भी टर्म है, आपके पास ई की -β r वाली टर्म है, देखो यहाँ पे आपके पास है। उसके बाद आपके पास क्या है डी आर, क्योंकि आर आर वाली टर्म रह जाएंगी आपके पास, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई के टर्म को आप एक्सपेंड करोगे आपके पास क्या निकल के आएगा, 4 पाई निकल के आएगा आपके पास इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास काफी बार यूज हुए हैं तो उनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपके पास, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो देखिए आप यहाँ पे उनको आपने लागू करना है यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है, कुछ रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपके पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक क्या लगाओ, पहले लिमिट लगाओ, फिर उसके बाद में आपने क्या करना है एक्स की पावर एन लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, एक्स की पावर एन लिखना है। फिर आपके पास रिजल्ट है ई की -α x इंटू में dx, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बार बार आया है आपके पास ये एन का फैक्टोरियल, क्या है एन का फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा नोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा,
अल्फा एन प्लस में वन आएगा आपके पास, ये होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल इसका। इसके आप यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे जब मैंने लिखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाई टर्म को कैसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो इस वाई टर्म को मैं लिख देता हूँ पहले, जीरो से इनफिनिटी तक तो लगा दिया आपके पास, उससे आगे क्या है, आर का स्क्वेयर ई की माइनस बीटा आर डी आर है, सेम एज इट इज, देखो कंपेयर करके देख लो आपके पास ये है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गए, देखो यहां से एन है, एन के बाद आई थी एन, देखो यहाँ पे एन था, यहाँ पे क्या है टू है, तो टू का फैक्टोरियल लिखूंगा। उसके बाद नीचे आपके पास क्या लिखे, टू बिट्टा की पावर एन प्लस में वन, एन की वैल्यू यहाँ पे दो है, दो प्लस में एक करोगे तो आपके पास तीन हो जाएंगे, आपके पास संख्या आपके पास थ्री यहाँ पे हो। ये वाला टर्म समझ में आया आपके पास। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ आपके पास, टू तो ऊपर है ही आपके पास, नीचे क्या हो जाएगा, एट बिट्टा की क्यूब हो जाएगा। अब इससे आप काटेंगे इसको, फोर पे जाएगा, तो फोर पे जाने के बाद आपके पास वन बाई फोर बिट्टा क्यूब, ये किसकी वैल्यू होगी आपके पास, इस वाले टर्म की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट करो आप। यहाँ पे क्या करनी है, आपने स्टैंडर्ड इंटीगल को आपने यूज किया है, आप ये हमेशा ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं ए इंटू में ए, उसके बाद आपके पास फोर पाई तो एज इट इज है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है यहाँ तक, वन अपॉन में फोर बिट्टा की क्यूब इज इक्वल टू वन के बराबर आई आपके पास। अब ये बिट्टा की क्यूब और वन के बराबर आई आपके पास, ये बिट्टा की क्यूब सॉरी नीचे है आपके पास, ये बिट्टा की क्यूब नीचे है आपके पास, तो ये नीचे लगाओ आप, बिट्टा की क्यूब नीचे, फोर से फोर कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से आपके पास क्या बच गया बच्चों, ए का स्क्वेयर तो ये होगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, और आपके पास पाई आवर में बिट्टा की क्यूब इज इक्वल टू वन। उसके बाद आपके पास सोल्व करेंगे इसको, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाले, सबसे पहले ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालोगे तो बिट्टा की क्यूब आवर में पाई हो गया आपके पास। यदि यहां से हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा, बिट्टा की क्यूब आवर में पाई, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि आपके पास रूट में ले लो, तो ये आपके पास सी ऐसे लिख लो, ये आपके पास किसके टर्म आई, इसको नाम दे देता हूं मैं स्टार। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ आप। अब बात कर लेते हैं इसमें, इसके बाद प्रोसेस होती है आपके पास, ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास, अब बात आती है हैमिल्टोनियन की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, वो बात और कर लेते हैं आपके पास। जिस भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना, सर हमें इस स्टेप में दिक्कत है इसके बाद बताना, तो उसके बाद बताया जाएगा, हर बात को नोट किया जाएगा, बारीक कैसे स्टेप बता रहे हैं आपके पास। ये स्टार वाले क्वेश्चन आए, स्टार वाले क्वेश्चन से आगे आपने क्या करना है वो आपके पास बात आती है, आप हैमिल्टोनियन की वैल्यू लिखते हैं, नाउ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है हैमिल्टोनियन की वैल्यू। अब बात करते हैं इसके अनुसार आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं, आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों, बात आती है इसके अनुसार आप लिखते हैं पी स्क्वेयर बाई टू एम लिखते हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो होता है, अब पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास ई स्क्वेयर बाय क्या होता है, सिंपल आर होता है। अब यहां से इस की टर्म को क्या करेंगे हम, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपके पास पी क्या है यहाँ पे, बी द मोमेंटम। अब इसके ऑपरेटर आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर जानते हैं आप, मोमेंटम ऑपरेटर जो पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, पी की वैल्यू आपके पास क्या होती है बच्चों, एच कट आवर में आई इंटू में डेल, ये होती है आपके पास वैल्यू। यहाँ पे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर के अनुसार आप हम लिख देंगे आपके पास, तो इसका स्क्वेयर के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा,
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला पोर्शन, फिर मैं इसके वैल्यू डायरेक्ट आपके पास क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू पी का स्क्वेयर है आपके पास इज इक्वल टू, अब आयटा का स्क्वेयर करते हैं आपके पास क्या आता है, माइनस का वन आता है, तो माइनस आपके पास पहले ही आ गया, तो इसका डेल आपके पास एज इट इज है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इसके स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, तो स्क्वेयर में इसका स्क्वेयर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इसका स्क्वेयर करें तो आयटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस का वन होता है, माइनस आपने पहले लगा दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, रेडियल पार्ट को क्या करना है, स्क्वेयर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर लगाना है। इसके आगे हम वो स्टेप कर रहे हैं, तो आपके पास इससे आगे क्या स्टेप करेंगे, तो स्टेप आप लिखें रेडियल पार्ट, क्या लिखें, रेडियल जो पार्ट है उसका क्या करना आपने, स्क्वेयर करना है बच्चे, रेडियल पार्ट का क्या करना है, स्क्वेयर करना है। इसके आगे यहाँ पे रेडियल लगा देंगे, रेडियल पार्ट का स्क्वेयर करना है मोमेंटम ऑपरेटर के ऊपर, और मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर पे क्या करना है, रेडियल पार्ट का स्क्वेयर करना है। उससे आगे हम क्या करेंगे, आपके पास पी आर का कर दी आपके पास स्क्वेयर लगा दे इसका, क्योंकि रेडियल पार्ट में नोटेशन लिखने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की टर्म आ जाएगी आपके पास। उससे आगे आपके पास क्या आएगा, एच कट का स्क्वेयर डेल आर का स्क्वेयर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इससे आगे स्टेप क्या होता है, क्या करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं हम, ये स्टेप नोट रहने दो आप। इससे आगे मैं ऊपर वाले साइड करता हूँ, तो इससे आगे देखिए आप, इससे आगे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एच कट का स्क्वेयर तो है ही आपके पास एज इट इज, एच कट का स्क्वेयर आप लगाएं पहले एज इट इज, उसके बाद डेल है, डेल को जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए मैं सारी टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर का स्क्वेयर डेल आवर में डेल ऑफ आर। अब बात आती है ब्रैकेट में क्या आता है आपके पास, तो ब्रैकेट वाली टर्म आती है आर स्क्वेयर डेल आवर में डेल आर, जब आप इसके ऑपरेटर को एक्सपेंड करेंगे आपके पास ये वाली टर्म आती है, ये आप ध्यान कर लेना क्योंकि आपके पास क्वांटम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती थी ये किसके बराबर, सारा हैमिल्टोनियन के बराबर था आपके पास, तो हैमिल्टोनियन के बराबर आपके पास जो कंडीशन थी यहाँ पे, आपके पास जो वैल्यू थी आपके पास हैमिल्टोनियन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू थी आपके पास, पीछे से एच था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी पे, या पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लो, चाहिए पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, वैल्यू लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी लिख ले, यहाँ पे पोटेंशियल के नाम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अनुसार क्या इक्वेशन थी आपके पास, पी स्क्वेयर बाई टू एम, और इसकी क्या थी आपके पास, ई स्क्वेयर आवर में आर आपके पास इसकी थी, ये था आपके पास। अब बात आती है एच की वैल्यू पी स्क्वेयर बाई टू एम, पी की वैल्यू तो क्या आई आपके पास, देखो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे क्या करनी है, सीधी सीधी पुट करनी है आपके पास, तो मैं पुट कर रहा हूँ आपके पास जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जो की इसकी जगह में क्या करनी है, पुट करनी है माइनस में एच कट का स्क्वेयर आवर में आर डेल आवर में डेल आर इंटू में आर स्क्वेयर डेल बाय डेल आर, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इस वाई टर्म को क्या कर दिया, पुट कर दिया, उसके बाद में बटे में टू एम है तो टू एम इसके साथ में लगा दे, कोई दिक्कत है, उसके आगे आपके पास माइनस का ई स्क्वेयर बाई आर है, क्योंकि आपके पास देखो हैमिल्टोनियन की संख्या ये बाद में दे रखी है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इस वाली संख्या को, मैं नाम ले लेता हूँ, इक्वेशन है क्या डाल दी, ए डाल दी आपके पास, सॉरी पीछे वाली इक्वेशन आपके पास क्या आई, जो भी आई थी आपके पास वो इक्वेशन ले लेना, ये यहाँ पे लगा लेते हैं इसको, एड लगा लेते हैं।
अब बात करते हैं आपके पास इससे आगे क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन के साथ में जब आप साई के फंक्शन को लगाते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू, साई फंक्शन आपके पास क्या आता है इस केस में, आपके पास ए ई की पावर माइनस बिट्टा आर था आपके पास। तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू तो आपके पास यही है, बटे में 2 m r का स्क्वेयर डेल आवर में डेल आर, आर का स्क्वेयर डेल आवर में डेल आर माइनस में ई आर का स्क्वेयर इनटू में साई फंक्शन की क्या वैल्यू थी इस केस में आपके पास, ए ई की पावर माइनस बीटा आर थी आपके पास। आप इस वाई टर्म को यदि आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास किस में आएगा, आपके पास एनर्जी के अंदर आएगा। तो आपने ये स्टेप याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास स्टेप इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, आपके पास 2-3 पेज में आपके पास एक्सप्रेस होगा। तो उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ आपके पास। तो शॉर्ट आपने क्या याद करनी है, ट्रिक से याद करते हैं हम, जो भी चीज करें हम ट्रिक से करेंगे। आपके पास बीटा का स्क्वायर इस वाई टर्म में आपने ये टर्म याद करनी है बस, क्योंकि आपके पास इसको एक्सप्रेस करेंगे काफी लंबा हो जाएगा। आपके पास माइनस में बीटा ई का स्क्वायर, तो संख्या ए थी, अब दे दिया बी नाम दे दिया आपके पास। ये वाई किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम इससे आगे करते हैं, आपके पास ये आपके पास किसके फॉर्म में आ गई, एनर्जी के फॉर्म में आ गई। अब हमारा काम हो गया आपके पास, इससे आगे हम क्या करते हैं, इसके बिट्टा आपके पास क्या लिया था, पैरामीटर लिया था आपने। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। भाई हैमिल्टोनियन जो संख्या आई है एनर्जी के फॉर्म में, उसका क्या करना आपने, डेरिवेटिव करना। तो इसका क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, देखो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो आपके पास डी तो ऊपर है ही, आपके पास डेल आवर में ई आपके पास है, तो यहाँ पे आपके पास बीटा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था वेरिएशनल पैरामीटर था आपके पास, तो वेरिएशनल पैरामीटर था तो उसका डेरिवेटिव करो आपके पास। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एच कट का स्क्वेयर बटे में 2 m तो आपके पास है ही। अब ये वाली संख्या है बिट्टा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो आपके पास आगे पावर में आ गया आपके पास 2 बिट्टा माइनस में ई का स्क्वेयर, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब बात कर रहे थे ये वाली संख्या किसके बराबर होती है, वेरिएशन पैरामीटर के स्टेप में मैंने बताया था ये वाली संख्या आपके पास हमेशा किसके बराबर होती है बच्चों, 0 के बराबर होती है। तो आप जानते हैं एज वी नो दैट डेल डेल ई आवर में डेल बी इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है। तो ये वाली संख्या आप किसके बराबर पुट करें, 0 के बराबर रखें इस वाली संख्या को यदि, तो एच कट का स्क्वेयर आवर में 2 m इंटू में 2 बिट्टा माइनस में ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आपके पास, तो यहां से आपके पास बिट्टा की वैल्यू क्या आती है, तो बिट्टा की वैल्यू आपने, आप जानते हैं बिट्टा की वैल्यू क्या होती है इस केस में, एम ई का स्क्वेयर आवर में क्या आता आपके पास, एच कट का स्क्वेयर। और यहाँ पे इसकी वैल्यू किसकी होती है, ए नोट की क्या वैल्यू होती है, एच कट का स्क्वेयर बटे में एम ई का स्क्वेयर, यहाँ कहाँ पे यूज होता है आपके पास, ये आता है एटम के चैप्टर के अंदर, एटम वाले चैप्टर के अंदर ये स्टेप आता है आपके पास, ये बिट्टा की वैल्यू यहाँ आपके पास यूज है। अब बात आई थी आपके पास ये बिट्टा की वैल्यू आपके पास आई है ये वाली, तो इसका यूज करना आपने, यूज क्या करना है, पीछे आपके पास टर्म आई थी आपके पास, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी आपके पास टर्म क्या थी, वो टर्म आपके पास थी ई इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास बच्चों, एच कट का स्क्वेयर बिट्टा स्क्वेयर बटे में 2 m माइनस में क्या था आपके पास, जब इसका डायरेक्ट क्या था, ये तो बिट्टा हो गया। अब आपके पास बिट्टा की टर्म आई थी आपके पास, बिट्टा ई का स्क्वेयर आपके पास ये टर्म थी,
इक्वेशन आपके पास ये थी। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर भी टैग टर्म को क्या करना है, दोनों जगह पुट करना है, वो आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा एनर्जी का। अब हम बारी बारी क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, तो आपके पास पुट करेंगे इनके वैल्यू को, और पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा वो देखिए। इस वाले वैल्यू को पुट कर रहे हैं आपके पास E इज इक्वल टू एच कट का स्क्वेयर आवर में 2m, उसके बाद में बिट्टा है आपके पास, बिट्टा का स्क्वेयर है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। एम ए का स्क्वेयर आवर में एच कट, इसका क्या लगा दे, स्क्वेयर लगा दे, माइनस में बिट्टा की वैल्यू आपके पास एम ए का स्क्वेयर बाई एच कट का स्क्वेयर इंटू में ए का स्क्वेयर। अब इसको एक्सपेंड करें आपके पास, जितना आपके पास एक्सपेंड होगा वो आपके पास क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एटम का रिजल्ट होगा इन केस ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर के अंदर। अब बात कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करो आपके पास एच कट का स्क्वेयर बाई 2m इंटू में एम स्क्वेयर ई की पावर 4/4 में एच कट का स्क्वेयर, लिख लेता हूँ दो फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि एक फॉर्म से काट दूंगा मैं, एम ए के स्क्वेयर स्क्वेयर हो गए 4 हो गया आपके पास, एच कट का स्क्वेयर हो गया, ये माइनस में था आपके पास। अब इससे आगे आपके पास इससे ये वाई टर्म कैंसिल हो गई, एम से एक एम आपके पास कम हो गया, आपके पास ऊपर बच गया एम ए की पावर 4 बच गई, ऊपर तो ये बच गया आपके पास, नीचे क्या बच गया आपके पास 2 एच कट का स्क्वेयर, माइनस में आपके पास क्या बच गया एम ए की पावर 4 माइनस में एच कट का स्क्वेयर बच गया। अब बात कर लेते हैं आपके पास यहां पे, आपके पास इसको यदि आप और एक्सपेंड करना चाहते